हेलो मैं गाइस, वेलकम टू मैं कृष्णा सूर्य चैनल। और आज हम अपने वीडियो में आप लोगों को वीडियो फोटोशॉप 24 वर्जन में कैमरा रो जो अपडेट हुआ है इसमें एक नया टूल्स ऐड किया गया है, लेंस ब्लर। तो ये लेंस ब्लर टूल है क्या, इसी के बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे, लेंस ब्लर टूल को कैसे यूज करेंगे और इसके क्या फायदे हैं। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फोटोशॉप में और लेंस ब्लर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फोटोशॉप में एक पिक्चर ओपन किया हुआ है और इसी पिक्चर के ऊपर हमको लेंस ब्लर को अप्लाई करना है। अब हम देखिए, जो बैकग्राउंड है इसकी, जो हमारे पिक्चर की बैकग्राउंड लेयर है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेनी है कंट्रोल जैसे। अब इसके बाद हम जाएंगे यहाँ फिल्टर मेनू में, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब ये देखिए कैमरा रो फिल्टर है, इस पर हमको क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, ये है लेंस ब्लर, इसी को हमको यूज करना है। तो यहाँ से हम इसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है धीरे धीरे। अब जब प्रोसेसिंग हो जाएगा तो देखेंगे हमारा जो बैकग्राउंड है ब्लर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये एरिया है अभी बैकग्राउंड जो ब्लर नहीं हुआ है, यहाँ भी बैकग्राउंड ब्लर नहीं हुआ है, तो इसके लिए हमको अब मैनुअली वर्क करना होगा। हम यहाँ पे नीचे आएंगे। अब ये देखिए ब्लर अमाउंट है, आप यहाँ से इसको कम बेसी भी कर सकते हैं यहाँ से, अब जितना चाहें इसको अपने पिक्चर के अनुसार रख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए बोके है, यहाँ पे बोके 5 टाइप्स के दिए गए हैं। आपको यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है इस पर और देखेंगे यहाँ पे बोके इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। आपको जो भी इसमें से यूज करना होगा, इसमें आपको मान इसी को यूज करना है, इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। और ये देखिए बूस्ट, यहाँ से हम और भी बढ़ा सकते हैं बोके को। देखिए यहाँ पे जितना इसको बढ़ाएंगे यहाँ पे बोके अमाउंट जो है इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से अपने पिक्चर में बोके भी क्रिएट कर सकते हैं इसके माध्यम से। अब ये देखिए यहाँ पे नीचे ये फोकल रेंज है, ये जो एरिया, ये जो पॉइंट है, सिलेक्शन पॉइंट है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है ये फोकस में हो जाए और सब्जेक्ट जो है ब्लर हो जाए, तो हमको इसको सेलेक्ट करना है और अपने बैकग्राउंड पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो सिंगल क्लिक में देखेंगे हमारा जो ये सब्जेक्ट है ब्लर हो गया और बैकग्राउंड जो है फोकस में हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। और फिर से हम चाहते हैं कि सब्जेक्ट को फोकस कर दें और बैकग्राउंड को ब्लर कर दें, तो फिर से इस पॉइंट को सेलेक्ट करना है और इस बार सब्जेक्ट पर हमको क्लिक करना है। तो देखेंगे फिर से हमारा जो सब्जेक्ट है फोकस में हो जाएगा और ये जो बैकग्राउंड है ब्लर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये जो है फोकल रेंज बढ़ाने घटाने के लिए दिया गया, आप जैसे इसको बढ़ाएंगे तो जो ये जो ब्लर अमाउंट है धीरे धीरे घट जाएगा। तो आपको जितना रखना हो इसको कम बेसी यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये देखिए विजुअलाइज डेप्थ है, इसको ये देखने के लिए है बस, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। जो ये येलो कलर है यहाँ पे ब्लर अमाउंट नहीं ऐड हुआ है और ये जो मजेंटा कलर दिखा रहा है यहाँ पे हमारा जो ब्लर अमाउंट ऐड हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब नीचे हम आएंगे, ये देखिए यहाँ पर रिफाइन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ब्रश आपको देखने को मिलेंगे, फोकस ब्रश और ये ब्लर ब्रश। तो आप इससे फोकस अपने पिक्चर में कर सकते हैं और इससे ब्लर, मान लीजिए हमको फोकस करना है इस एरिया को, फिर से फोकस करना है, हम फोकस ब्रश यहाँ पर लेंगे और अमाउंट 100 और ब्रश की साइज अपने पिक्चर के अनुसार रखेंगे और ये फेदर हम इसमें दे देंगे 35 के आसपास। अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से देखिए ड्रैग करेंगे तो जो फिर से ब्लर हुआ है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फोकस ब्रश से अपने पिक्चर में फिर से फोकस कर सकते हैं। अब ये जो ब्लर ब्रश है इसको मान लीजिए हम यूज करेंगे तो इसको मान लीजिए फिर से ब्लर करना है तो यहाँ पर हम फिर से ड्रैग कर देंगे इस तरीके से तो ब्लर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हमको ब्लर करना है तो यहाँ भी ब्लर कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये ब्लर ब्रश और फोकस ब्रश यूज कर सकते हैं। अब इतना यूज करने के बाद हम फिर से यहाँ से ओके कर देंगे तो फिर से देखिए हमारी पिक्चर जो है ये फोटोशॉप में ओपन हो गई। तो इस तरीके से आप लोग लेंस ब्लर के माध्यम से अपने पिक्चर को ब्लर कर सकते हैं या सब्जेक्ट को ब्लर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया टूल्स है। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी आप लोगों को, अगर अच्छी वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ में कमेंट करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।